बॉलीवुड में बहुत सारे खान्स हैं, सलमान खान से लेकर शाहरुख खान, शाहरुख खान से लेकर सैफ अली खान, आमिर खान, ये सारे नामचीन खान्स हैं जो फिल्मी दुनिया में काफी समय से रूल कर रहे हैं। इन्हीं खान्स में से एक ऐसा खान है जो काफी समय से मिसिंग है। एक समय पर जब ये खान आया था फिल्म इंडस्ट्री में अपनी फिल्म के साथ, तो काफी सारी लड़कियों ने अपनी जान छिड़क दी थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैंडसम दिखते थे, बहुत चार्मिंग दिखते थे और उनके लुक्स की जो तारीफ है वो बहुत ज्यादा होती थी। वो एक्टर और कोई नहीं बल्कि प्रेम अगन से डेब्यू किया था, जिसका नाम है फरदीन खान। फरदीन खान वापसी कर रहे हैं बड़े पर्दे पर जल्द ही। उनको मुकेश छाबड़ा के ऑफिस में स्पॉट किया गया है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि फरदीन खान को आप जल्द ही बड़े पर्दे पर एक बार फिर से कमबैक करते हुए देख पाएंगे। बता दें कि फरदीन खान ने अपने करियर की शुरुआत तो की, फिल्म फेयर डेब्यू अवार्ड से भी नवाजा गया, लेकिन उसके बाद उनका करियर डामाडोल सा ही रहा। ज्यादा उन्होंने शोहरत तो नहीं बटोरी, लेकिन इतना जरूर है कि लोग उन्हें जानते थे। उनके एक्टिंग की तारीफ तो ज्यादा नहीं होती थी, बट उनके लुक्स की तारीफ बहुत होती थी। वेल, फरदीन खान ने फिल्में तो बहुत दी, लेकिन ये सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित नहीं हो पाई। अगर कुछ हिट हुई भी है तो वो मल्टी स्टारर फिल्म्स थी, जिसमें फरदीन खान भी वन ऑफ द एक्टर्स थे। बता दें कि उनकी आखिरी फिल्म दूल्हा मिल गया था, जो 2010 में आई थी, जिसमें सुष्मिता सेन भी नजर आई थी, और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गया था। इसके बाद उन्होंने बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन कर लिया और सुनने में ये आया कि वो बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने लग गए हैं, बहुत ज्यादा ड्रग्स कंज्यूम करने लग गए हैं। इस वजह से उन्होंने बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन कर लिया और बहुत ज्यादा एज्ड दिखने लग गए थे। लेकिन अब फरदीन खान ऐसा लगता है पूरी तरह से रेडी है सिल्वर स्क्रीन पर कमबैक करने के लिए, एक बार फिर से लड़कियों के दिलों में जगह बनाने के लिए, क्योंकि अब वो बिल्कुल लीन हो गए हैं, बहुत पतले नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है उन्होंने बहुत मेहनत की है लॉकडाउन में और अब एक अच्छे प्रोजेक्ट के साथ वो बहुत जल्द फिल्मी दुनिया में कदम रखने के लिए आ गए हैं।